अगर मैं मर गया तो ये सारा यूट्यूबर अगर तुझे झूठ बोल के मशहूर होने का शौक है तो सच भी बोल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज सुबह का वाकया, अली विरक को मारा है जी काशिफ ज़मीर ने, जो कि अली विरक का इस वीडियो में कहना है। ये अभी अली विरक हॉस्पिटल में है, तो मुझे तकरीबन 8 बजे का टाइम था, तो मुझे एक लड़के ने, मेरे दोस्त ने मैसेज किया कि यार अली विरक को मारा है जी काशिफ ज़मीर ने, काशिफ ज़मीर ने अली विरक को क्यों मारा है मुझे भी नहीं पता। अब अली विरक का क्या कहना है ये आप खुद ही सुन लें। आया था मुझे गवाह करने के लिए यहाँ पे, ये मेरा हाल देखने क्या हुआ, मैंने सच का साथ दिया है तो मेरे साथ देखने क्या हो गया है। अब आपने सच को सामने लेके आना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर मैं मर गया तो ये सारा काशिफ ज़मीर का सारा प्लान था, मुझे गवाह करने आया था, मैंने गाड़ी से छलांग लगाई है, मुझे खींचता रहा अपनी गाड़ी में। अब असल में हकीकत में सच है क्या, और जो कि ये आप देख भी सकते हैं, उसके बाद ये अली की वीडियो आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी से किस तरह इसने छलांग लगाई है, सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। सो इसमें बिल्कुल साफ वाजिया है। बहरहाल आगे अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है आगे क्या सीन है। और काशिफ ज़मीर की एक नई वीडियो जो कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि काशिफ ज़मीर क्या कह रहा है, ये आप इसका भी ज़रा बयान। मैंने एक वीडियो देखी, अल्लाह का खौफ खाओ तो यूट्यूबर अगर तुझे झूठ बोल के मशहूर होने का शौक है तो सच भी बोल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने या मेरे किसी भी दोस्त ने कोई पिस्टल नहीं निकाला ना ही इसके बट मारा, मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूँ इसको कहें कि जो भी सहाफी उसके पास जा रहा है वो इसके कुरान इसके सर पे रखवाए या हाथ रखवाए कि काशिफ ज़मीर नहीं है, उसके किसी भी बंदे ने तुझे एक भी थप्पड़ मारा है या तुझे एक भी पिस्टल का कोई भी बट मारा है तो मैं कानून से कहता हूँ जो भी कार्रवाई बनती है वो करें। लेकिन असल में हुआ जी अली विरक के साथ हुई है ज्यादती, ठीक है। जब वो गाड़ी में बैठ गया उसके बाद अली विरक को डराया गया, धमकियां दी, ठीक है, जिस वजह से उसको असला वगैरह दिखाया गया और उसने डर कर गाड़ी से जंप कर दिया। और ये बहुत ही गलत बात है जो कि काशिफ ज़मीर ने अली विरक के साथ किया, मुझे बहुत ही अफसोस है। और मैं हमेशा अपने भाई के साथ हूँ, अली विरक के साथ। और अगर आपको भी मेरे चैनल पर कोई भी कोई अच्छी वीडियो लगी है, सो प्लीज़ आपने सिर्फ एक नेकी के तौर पर आपने करना यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को, अली विरक की वीडियो को जाकर आप शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट और हुक्मरान इस वीडियो को देखें और जो इंसाफ है वो अली विरक को मिले, जो कि उसने जो भी किया है। आई डोंट नो क्या सीन चला है, हकीकत क्या है मुझे नहीं पता। इतनी देर से वो वीडियोज़ वगैरह बना रहा है, जहाँ तक मुझे पता है वो गलत बात या गलत चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर करेगा। और रही बात काशिफ ज़मीर की, अगर उसने ये गलत किया है तो उसको उसका अंजाम ज़रूर मिलना चाहिए। सो प्लीज़ स्टैंड विद अली विरक, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अली विरक को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, वो ठीक हो जाए और दोबारा से फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। मैं अपने भाई के साथ हूँ, जब अली तुम आवाज़ लगाओगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।